हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग हैकर रैंक पे जो पाइथन का कोडिंग करेंगे, और वो भी नम पाई लाइब्रेरी का यूज़ करके, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक है आज का, वो पाइथन नम पाई में जो आई एंड आइडेंटिटी आइडेंटिटी फंक्शन है, आज हम लोग इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्या है इसमें और फिर इसको किस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है और इसका आप लोग को जरूरत पड़ते रहता है, ठीक है। और आप लोगों ने जो मैट्रिक्स पढ़े हैं, जैसे कि आप लोग 12th में पढ़े होंगे, और वहाँ पे जो मैट्रिक्स जो पढ़ेंगे उसमें आइडेंटिटी एक मैट्रिक्स होते हैं, है ना, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही उसी को हम लोग जो है यहाँ कोड के थ्रू उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, कैसे हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन को या आई फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक समझ में आ गया, नंपाई है और फिर आई एंड आइडेंटिटी नाम का आपको टॉपिक मिलेगा। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा नंपाई है और नंपाई में जो है आई एंड आइडेंटिटी नाम का जो टॉपिक है, आज हम लोग इसी को लगाएंगे, ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप समझ में आ गया टॉपिक, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि कुछ सजेशंस दिए हुए हैं कि जैसे आइडेंटिटी है तो बोल रहा है क्या कि आइडेंटिटी टू रिटर्न्स आइडेंटिटी एरे, द आइडेंटिटी एरे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होते हैं आइडेंटिटी एरे जो हमारा होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है, जैसे कि अगर हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नंपाई डॉट आइडेंटिटी लगाते हैं। और उसमें क्या होता है, डायगोनली क्या होता है, वन वन, मतलब डायगोनल जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ पे वन आएगा, उसके अलावा जितने भी केस बनेंगे एल्स कंडीशन, रेस्ट केस जो बनेगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो वही चीज को यहाँ लिखा हुआ है कि विथ ऑल द मेन डायगोनल एलिमेंट एज वन एंड रेस्ट एज जीरो, द डिफॉल्ट टाइप ऑफ एलिमेंट इज फ्लॉट। बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें, अगर वहां पे हम कोई पैरामीटर नहीं लगाते हैं तो वो फ्लॉट वैल्यू लेगा, मतलब डेसिमल में लेगा, जैसे वन डॉट है, जीरो डॉट है, फिर जीरो जीरो डॉट है, समझ में आ गया। तो अगर हम यहाँ पे इसको चेंज करना, इसका डेटा टाइप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अन्यथा ये जो है बाय डिफॉल्ट क्या यूज होंगे, फ्लॉटिंग में आएगा, ठीक है। और एक चीज क्या आपने ये आप लोग को याद ही रखना है कि आइडेंटिटी जो फंक्शन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर बात करें तो वो हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, है ना। कि अगर हम इसके देखो, इसके पैरामीटर में क्या है, ओनली थ्री है। इसका मतलब क्या हो गया, थ्री का मतलब हो गया कि ये आई थ्री थ्री को रिप्रेजेंट करता है, 3 बाय 3 का एरे बना देगा वो। अगर अंदर में हम 4 4 लिख देते हैं तो वो 4 बाय 4 का एरे बना देगा, समझ में आ गया आप लोग को। और फिर आगे नीचे आते हैं, एक आई फंक्शन है, आई फंक्शन भी इसी के जैसा होता है, बशर्ते इसमें क्या है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स बनते हैं आइडेंटिटी में, आई में क्या होगा कि वो आपका रेक्टेंगुलर शेप का बनेगा। मतलब इसमें जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें तो पहले वेल डिफाइंड, मतलब पहले से डिफाइंड है आपका, प्री डिफाइंड है कि हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है, तो इसलिए पैरामीटर में ओनली 3 लगा दिए हैं। लेकिन यहाँ पे हमको दोनों ऑर्डर को बताने होंगे कि किस ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स चाहिए अगर आई फंक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा। जैसे कि देखो 8 7 है, तो मतलब 8 7 का क्या मतलब हो गया, यहाँ नमपाई डॉट आई है तो 8 7 का क्या मतलब हो गया कि 8 जो है ये हमारा रो होगा और 7 हमारा क्या है, कॉलम होंगे। तो रो हमारा कितना है, 8 है, आप काउंट कर सकते हो इधर से, 8 होंगे और हमारा कॉलम कितना है, 7 है। और के क्या रिप्रेजेंट करता है कि के रिप्रेजेंट करेगा क्या कि 1 जो है हम डायगोनली किसको लेते हैं, कि जैसे जैसे यहाँ पे स्क्वायर थे तो 1 1 1 आ गया, इसमें अगर हम बात करें तो के का वैल्यू 1 है, तो यानी कि के वैल्यू देखो 0 से स्टार्ट होता है और 1, तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और अगर हम का वैल्यू -2 कर दें तो हमको जो है वो यहाँ पे बता भी रहा है कि डायमेंशनल एरे विद द सेकेंड लोअर डायगोनल 1, ठीक है। तो इस तरह से काम करते हैं। अब मेरा जो है टास्क क्या है, टास्क है कि योर टास्क इज टू प्रिंट एन एरे साइज एन बाय एम विथ इट्स मेन डायगोनल एलिमेंट एज इतना इतना, ठीक है। और हम लोग को अलाइनमेंट सेट करने के लिए ये हमको लिखना ही पड़ेगा, नंपाई डॉट सेट प्रिंट ऑप्शन लेगेसी जो है 1.13, ये जो है आप लोग को इम्पोर्ट करना है क्योंकि इससे हमारा अलाइनमेंट सही रहेगा, समझ में आ गया। तो ये जैसा का एज इट इज जैसा है वैसा ही लिखना है। और अब देखो इनपुट फॉर्मेट क्या होगा कि अ सिंगल लाइन कंटेनिंग द स्पेस सेपरेटेड वैल्यू एन एंड एम, और एन डोंट करेगा रो को, एम डोंट करेगा कॉलम को,
और एन बाय एम का हमको एरे चाहिए। तो इनपुट जैसे 3x3 चाहिए, 3x3 का, तो वो हमारा एरे 3x3 का बनाकर दे देगा। तो कुछ इस तरह का है हम लोग का केस। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि इंपोर्ट करते हैं नमपाई को, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। ठीक है, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। और अब लिखना है मेरे को कि कितना का एरे चाहिए, मतलब हमारा जैसे यहाँ पे 3x3 है तो कितना का। तो उसलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको जैसे यहाँ एम एन एंड एम, जो कि एन डिनोटेड बाय रोज एंड एम डिनोट्स बाय कॉलम। तो मैं यहाँ पे कैपिटल एन कॉमा एम मैं लिखूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा मैं मैप ऑफ इंट इनपुट फंक्शन डॉट स्प्लिट फंक्शन। ठीक है, स्प्लिट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये एक शायद एन एंड एम का वैल्यू एक सिंगल लाइन में दे देगा जैसा कि हमको चाहिए। और अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे प्रिंट करूँगा। एक ये भी करना पड़ेगा, ये जो लेगेसी है उसके लिए क्या करना होगा, नमपाई डॉट एन पी डॉट सेट, और यहाँ पे लिखने होंगे मेरे को कि प्रिंट ऑप्शंस, प्रिंट ऑप्शंस और लेगेसी इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर कितना लिखना है, 1.13। तो इससे क्या होगा, अलाइनमेंट हमारा जैसा चाहिए वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि हमको जैसा बोला गया है मैं वैसा ही कर देता हूँ कि ये इंपोर्ट करना जरूरी नेसेसरी रहेगा। ठीक है, अब मेरे को लिखना है कि प्रिंट, क्योंकि हमको प्रिंट कराना है कौन सा मैट्रिक्स, आइडेंटिटी तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको एन एंड एम दोनों का वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर हमारा एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो लेकिन आइडेंटिटी के लिए क्या होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो वो हम नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एन पी डॉट आई लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम लोग फ्लेक्सिबल हैं कितना का एरे चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एन पी डॉट आई, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा एन कॉमा एम कॉमा और के इज इक्वल टू 0। तो उससे क्या होगा कि जैसा वो फर्स्ट पोजीशन से हमारा मैट्रिक्स, जैसा कि देखो ये 0 1 0 पोजीशन से स्टार्ट हुआ है ना, तो इस तरह से होगा। तो हमारा जो है कोड रेडी हो चुका है, मैं यहाँ से इसको रन करा देता हूँ, और देखो ये हमारा रन हो चुका है। ठीक है, जैसा चाहिए था मेरे को 3x3 का, अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। देखो तीन टेस्ट केस थे और तीनों में हमारा पास हो गया। ठीक है, मैं इसको अगर चेक करना इस टेस्ट केस को, देखो इसमें 5-3 लिया तो वो भी मेरा आ गया आउटपुट। ठीक है, आप लोग टेस्ट केस से चेक कर सकते हो कि कौन कौन सा ये इनपुट लिया है और उसका आउटपुट क्या दिया है। समझ में आ गया आप लोग, आप लोग को आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसमें जो भी टॉपिक्स थे मैंने अच्छे से कवर कराए, और इसमें और सारे वीडियोस भी डल चुके हैं, आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या आप लोग जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हैकर रैंक पाइथन करके टॉपिक है, वहाँ पे सारे वीडियो अपलोड धीरे धीरे मैं करते जा रहा हूँ, और अप्रॉक्स जो है 14-15 के आसपास वीडियो डल चुके हैं वहाँ पे सिर्फ पाइथन का। उधर MySQL का भी चल रहा है, SQL का, SQL क्वेरी, और फिर जो इधर एनिमेशन टाइप का हो गया, HTML CSS एंड पाइथन का यूज़ कर करके, उसका भी अलग प्लेलिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आप लोग अगर वीडियो आप लोग वीडियो समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ठीक है, उससे हमारा और वीडियो को लाइक जरूर करें, उससे क्या होगा हमारा लोग मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है, और हम लोग जो है काम करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि और सारे बहुत सारा चीज़ हम लोग लाने वाले हैं यहाँ पे, जैसा कि पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि बहुत सारा चीज़ है, मतलब इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग का जितना भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे सबको मैं धीरे धीरे करके डेटा एल्गोरिथम जैसे हो गए, एनालिसिस एंड डिजाइन एल्गोरिथम हो गए, ADA COA हो गया, DBMS हो गया। ठीक है, तो मैं सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे करके यहाँ पे लाऊंगा, इसलिए आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।